हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टार्टिंग विद सीए फाउंडेशन कोर्स बीसी के सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 बैंकिंग टर्म्स। तो माय नेम इज राहुल बजाज, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम हियर टू मेक बीसी के सब्जेक्ट वेरी इजी फॉर एवरीवन। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस वीडियो 2-3 टाइम्स सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। पहला टर्म आता है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस मतलब होता है कि आपके जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है, दैट इज अकाउंट बैलेंस। वेरी सिंपल टर्म, तो इसमें हम लोग कुछ टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आप एटीएम में जाके चेक करते हो ना क्या बैलेंस है, दैट इज माई अकाउंट बैलेंस। ऑनलाइन भी कर सकते हो अकाउंट बैलेंस चेक, बैंक जाके भी चेक कर सकते हो, पासबुक में भी अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है accrued interest। accrued interest मतलब क्या हुआ? interest जो earn हुआ but अभी तक pay नहीं हुआ, that is accrued interest। okay, तो यहाँ पे हम लोग एक example देते हैं। आपका एक FD है जो कि 1,00,000 रुपए का है और वो matured होने वाला है 3 साल के बाद। अब 1 साल हो गया, आपको 10,000 का interest उस पे earn हो गया, but आपको ये पूरा payment कब होगा? ये FD matured होगी तब आपको payment मिलेगा 3 years। तो ये मेरा क्या हो गया? accrued portion, मतलब earned but not paid, ठीक है, बैंक ने वो अभी तक पे नहीं किया, तो that is my accrued interest। देखिए अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश सिस्टम, accrual सिस्टम। कैश सिस्टम क्या बोलता है? जब रिसीट हो और जब पेमेंट हो तभी आपको एंट्री पास करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। accrual सिस्टम क्या बोलता है? जब वो accrue हो या earn हो, तो incur हो, accrue हो या earn हो, तब उसकी accounting करना है। तो period या matching concept use करके, ये सब आपको particular period का expense है या particular period का income है तो वो period में जाए, तो that is accrued, correct। तो accrual वो term है। तो accrued interest क्या है? कि मेरा interest तो earn हो गया but मुझे अभी तक मिला नहीं, that is accrued interest। From bank's point of view, it is interest that customer has earned but bank has not yet paid। Next concept है administered rate। तो जो भी rate रहते हैं, इसमें simple है, ये थोड़ा सा ये interest rate है या deposit rate है, वो कोई ना कोई law से govern करते हैं, कोई law और provision रहते हैं ना, वो उसको administrate करती है। law और provision क्या करते हैं? लॉ एंड प्रोविजन उसको एडमिनिस्ट्रेट करते कि फार्मर का लोन ऐसे होना चाहिए, स्टूडेंट का लोन ऐसे होना चाहिए, सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट पे इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कोई लॉ रहेगा या कोई प्रोविजन रहेगा, कोई गाइडेंस रहेगा, तो वो हो गया एडमिनिस्ट्रेड। तो वो मॉनिटर्ड रहते, कौन मॉनिटर करता है? कोई लॉ और प्रोविजन, सो दैट इज माई एडमिनिस्टर्ड रेट। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, ADR का मतलब क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ADR कैसे ऑपरेट करता है? ये क्या होता है? आर डिपॉजिटरी रिसिट्स विच आर इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट हैव बीन इशूड इन अ फॉरेन कंट्री। समझ लीजिए US में कोई कंपनी है, उसका स्टॉक वहां पे शेयर्स लिस्टेड है, आपको वहां पे अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको ADR थ्रू करना पड़ेगा। तो ADS रहता है अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स, ऐसा ADSS बोल के कॉन्सेप्ट है, तो वो इन्वेस्टमेंट रहेगी और उसके बदले में आपको क्या मिलेंगे? ADRs मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक पूछा है, आप जैसे जैसे CA इंटर में जाओगे इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो क्या हो गया इसका सिंपल मतलब है? इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट हैव been issued in foreign country, that is my ADR। American depository receipts are traded only in United States। तो सर ये United State में, तो globally क्या होता है ऐसे? तो GDR रहता है, global depository receipts, correct। similar mechanism exist in other countries also। तो हम लोगों ने majorly इसमें ADR पढ़ा है। ADR important term इसलिए क्योंकि it is an equal to a specific number of shares of the company that have been issued in a foreign country। तो foreign country में कोई भी invested share है, listed share है, उसमें आप invest कर रहे हो
तो आपको जो करना है वो एडीआर के थ्रू करना है। ओके सर, समझ में आ गया। ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग का मतलब पता है कि आपको क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? आप जब चेक देते हो ना किसी को, चेक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स देते हो, तो वो क्या करते हैं, एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जमा करते हो। समझ लो आप HDFC बैंक में हो, आपकी पार्टी एक्सिस बैंक में, तो आप जब वो चेक देते हो, आप खुद के बैंक का देते हो, वो क्या करता है एक्सिस बैंक में जमा करता है। तब तब क्या होता है कि इनको क्लियर करना पड़ेगा ना, आपका चेक है तो वो क्या करेगा, एक्सिस बैंक में डिपॉजिट करेगा उसके अकाउंट में। जब डिपॉजिट करेगा तो उसकी बैंक क्या करेगी, ये चेक देखेगी, आपके बैंक को फोन लगाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फोन नहीं लगाती है, तो वो क्लियरिंग करने के लिए पहले क्या होता था, मैन्युअली होता था। लोग मिलते थे 2 बजे, शाम को 5 बजे, ऐसे 2 टाइम के इसमें बैंक्स एक जगह इकट्ठा आके क्या करती थी कि अपने जो चेक्स है वो क्लियर करवा लेती थी कि ये आदमी का इतना बैलेंस है क्या, ये इतना बैलेंस है क्या, इतना है क्या, वो क्लियर। अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हो गया। तो क्या हो गया, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हो गया। अब जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहाँ पे हम लोग चेक की बात करते हैं, तो चेक क्या करती है, बैंक स्कैन करके मेल थ्रू भिजवा देती है, या उनके एक एप्लीकेशन डेवलप्ड है तो उसमें वो डालती है, तो उसमें नाम आ जाता है पार्टी का, चेक डिटेल्स वगैरह आता है, तो किसके अकाउंट से डेबिट करना है, कितना पैसा है, वहां पे वो क्लियरिंग होता है। क्लियरिंग मतलब आपने जो भी चेक दिए हुए वो किसी और के अकाउंट में क्लियर होने के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्लियरिंग है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से क्या होता है, मिनिमाइज ह्यूमन वर्क, अब आदमी का काम कम हो जाता है, प्रोसेस स्टैंडर्ड हो जाती है, एरर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, करेक्ट। जो इसने जो जो बैंक है, पहले ये क्या करेगा, बैंक के अकाउंट्स में क्लियर होगा, फिर इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स के क्लियर होगा। बट ये जो क्लियरिंग होगी इसके लिए बेसिकली पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, तो वो पहले चेक करते, फिर बैंक बोलती है हाँ यस इसने आपको HDFC का चेक दिया है, मैं इतना पैसा आपको देना है। फिर कोई ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो एक्सिस बैंक के है और उन्होंने HDFC के चेक जमा HDFC को चेक दिए रहेंगे, मतलब एक बैंक के दूसरे बैंक को, ऐसे मल्टीपल बैंक्स रहेंगे, आप HDFC का चेक एक्सिस को, SBI को, किसी को भी कुछ भी दे दो, तो जो जहां पे डिपॉजिट करेगा वो एक जगह आएंगे और वो क्लियरिंग करवा के लेंगे। अब नया कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब क्या हो गया, ये ATM है ना, हम लोग देखते हैं क्या होता है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपको जाना है, कैश विड्रॉ करना है, आप क्या करते हो ATM चले जाते हो, तो वो मशीन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, इंटरनेट बेस्ड है, कंप्यूटर इक्विप्ड है, और आपका पैसा और काम हो जाता है, दैट इज योर ATM। देखिए यहाँ पे बोला एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू फील्ड ऑफ बैंकिंग, करेक्ट। तो वो हो गया ATM। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर मतलब क्या होगा, अ बैलेंस ट्रांसफर इज अ रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट डेट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। सिंपल है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को बैलेंस ट्रांसफर बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, सिंपल बैलेंस ट्रांसफर। ये बैंक से, ये कोई भी बैंक से हो सकता है, सेम बैंक में दो अकाउंट रहेंगे वहां पे भी हो सकता है बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है, अ बैंक अकाउंट इज एन अकाउंट हेल्ड बाय ए पर्सन विद बैंक। आप क्या करते हो, बैंक के साथ एक अकाउंट मेंटेन करते हो, आपका अकाउंट नंबर रहेगा XYZ, ऐसे कुछ तो बड़ा नंबर, विद द हेल्प ऑफ विच अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट, सेफगार्ड हिज मनी, अर्न इंटरेस्ट एंड आल्सो मेक चेक पेमेंट्स। क्या सर, डिपॉजिट? हाँ सर, डिपॉजिट कर सकता है, मतलब बैंक में जाके पैसे जमा कर सकता है, ठीक है, मनी डिपॉजिट कर। सेफगार्ड मनी, घर पे आप अगर लाखों रुपए रखोगे तो आपको चोरी का डर है, बैंक बैलेंस में है तो विदाउट आपके पासवर्ड या आपका चेक या आपका सिक्योरिटी या आपके पेमेंट होने, आप जब तक पेमेंट अप्रूव नहीं करोगे तब तक वो जाएगा नहीं। अगर कल्चर के बैंक में कुछ चोरी वगैरह भी हो जाती है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपको तो बैंक से आना है वो पैसा। अन इंटरेस्ट, अपने जो बैंक में पैसा रखा, बैंक क्या करती है, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट देती है और फिक्स डिपॉजिट में भी देती है।
समझ लो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 3% है और फिक्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट 6% है। सेविंग में थोड़ा कम होता है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि आप कब कितना पैसा विड्रॉ करोगे, ये स्पेसिफिक टर्म के लिए रहता है कि हाँ भाई इतने दिन के लिए ये पैसा विड्रॉ नहीं करेगा। तो क्या होता है, बैंक अपना बिजनेस प्लान कर सकती है अकॉर्डिंगली। तो यू कैन अर्न चेक पेमेंट, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है कोई पार्टी को तो यू नीड नॉट टू कैरी कैश, आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। चेक पेमेंट हो गया, इंटरनेट पेमेंट हो गया, अभी तो गूगल पे एंड ऑल दो स्टफ आ गए, बट वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं दिया है यहाँ पे। बैंक रेट ध्यान में रखना, बैंक रेट सेंट्रल बैंक मतलब क्या, आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंकों को जो रेट पे लेंड करती है ना वो बैंक रेट हो गया। दो कॉन्सेप्ट है, रेपो रेट और बैंक रेट। दोनों में क्या है, दोनों में भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा लोन देती है, बट रेपो रेट जो रेपो है ना, रेपो वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, से 15 डेज। बैंक ये थोड़ा ज्यादा पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 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 हॉरिजॉन, ठीक है, टाइम हॉरिजॉन। तो टाइम अगर ज्यादा टाइम के लिए पैसा लिया है तो बैंक रेट, कम टाइम के लिए या 15 डेज एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए तो वो है रेपो रेट। तो ध्यान में रखना, रेपो रेट और बैंक रेट में एमसीक्यू आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है। सिंस दिस लेंडिंग में बी इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्लेज्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट इज ऑल्सो बैंक रेट इक्वल टू डिस्काउंट रेट, ठीक है। अगर बैंकिंग टर्म्स में हमको पढ़ना है तो ये उसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट, ठीक है। आप समझिए ये बात कि क्या होता है, जब आप कोई भी लोन लेते हो तो कुछ सिक्योरिटी प्लेस करते हो, तो उसके वजह से आपको क्या होता है, कभी कभी आप 100 रुपए की चीज प्लेज कर देते हो और मतलब आपको 100 रुपए का लोन लेना है, आप 94 ही लेके आते हो, 6 रुपए एडवांस में काट लेती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो दैट इज डिस्काउंटिंग रेट, मतलब 100 रुपए की सिक्योरिटी 94 में ही हो गई। तो बैंक रेट क्या हो गया, जहां पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड करती है ज्यादा पीरियड के लिए, दैट इज बैंक रेट। रेपो रेट क्या हुआ, शॉर्ट पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, से 15 दिन के लिए। बेसिस पॉइंट, आप डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तब सुनने में आता है कि इतने बेसिस पॉइंट से कम हुआ, इतने बेसिस पॉइंट से कम हुआ, तो 100 बेसिस पॉइंट मतलब क्या होता है, 1%, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, वो हो गया बेसिस पॉइंट। तो आपको अगर कल कोई बोलता है कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर 0.5% कम हो गया, बोल दो ना, आसान है, ठीक है। तो बेसिस पॉइंट पे काम होता है इंटरेस्ट, स्टॉक इंडेक्सेस, मार्केट रेट्स। तो मार्केट रेट 20-25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट, तो आप बोलोगे 0.25% से कम हुआ है सर, समझ में आ गया, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है